अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन दी स्कॉलरशिप जैकेट पार्ट टू, रिटन बाय मार्ता सेलिनास। इस लेसन का पार्ट वन आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बाकी पार्ट स्टार्ट करते हैं लेसन का। तो फ्रेंड्स, लेसन हमने कहाँ तक पढ़ा था, जहाँ पे प्रिंसिपल ने मार्ता को अपने रूम में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर क्या कहा था कि तुम्हें इसके लिए $15 जो है वो पे करने पड़ेंगे, नहीं तो ये जैकेट किसी दूसरे को दे दी जाएगी। तो अब उसके जवाब में मार्ता ने क्या कहा है, स्टैंडिंग विद ऑल द डिग्निटी, पूरे वकार के साथ खड़े होते हुए, आई कुड मस्टर, आई सेड, मैंने कहा, मैं इकट्ठे कर सकती थी, आई विल स्पीक टू माई ग्रैंडफादर अबाउट इट, और ये भी कहा कि मैं इसके बारे में अपने दादा बू से बात करूँगी, सर, एंड लेट यू नो टूमोरो, और कल सर मैं आपको बता दूंगी। आई ट्राइड ऑन द वॉक होम फ्रॉम द बस स्टॉप। अब क्या कहती है, मैं बस स्टॉप से घर की तरफ पैदल चलते हुए रोती रही। द डर्ट रोड वॉज अ क्वार्टर ऑफ अ माइल फ्रॉम द हाईवे, सो बाय द टाइम आई गोट होम माई आईज वर रेड एंड पफी। कहती है कि द डर्ट रोड, वो जो गंदा रोड था, वॉज अ क्वार्टर ऑफ अ माइल, वो तकरीबन चौथाई मील जो था वो थोड़ा सा दूर था फ्रॉम हाईवे, यानी कि जो बड़ा रोड था हाईवे से, शाहरा से। सो बाय द टाइम, लिहाजा उस वक्त तक, आई गोट होम, जब मैं घर पहुंची, माई आईज वर रेड एंड पफी, तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी और पफी सूजी हुई थी, रो रो कर वो सूज चुकी थी उसकी आंखें। Where is grandpa? दादा अबू कहाँ है? I asked grandma, मैंने दादी अम्मा से पूछा, looking down at the floor, नीचे फर्श को देखते हुए। अब वो फर्श को देखकर क्यों पूछ रही है, क्योंकि उस वो रो रही है और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी हैं। So she would not ask me why I had been crying, ताकि इसलिए मैं नीचे देखकर उनसे मैंने ये पूछा, ताकि वो मुझसे ये ना पूछ लें कि मैं क्यों रो रही थी। She was sewing on a quilt. वो सी रही थी। क्या सी रही थी? Quilt, एक रजाई पर सिलाई लगा रही थी या सी रही थी। And did not look up. और उन्होंने ऊपर ना देखा। I think he is out back working in the bean field. दादी ने क्या जवाब दिया? मेरा ख्याल है कि वो बाहर लोबिये के खेत में काम कर रहे हैं। I went outside and looked out at the fields. अब वो कहती है, मैं बाहर गई और मैंने खेतों की तरफ देखा। There he was. वो वहाँ थे। I could see him walking between the rows. मैं उन्हें देख सकती थी, walking between the rows, कतारों के दरमियान चलते हुए। His body bent over the little plants. उनका जिस्म जो है वो नन्हे पौधों के ऊपर झुका हुआ था। हो इन हैंड्स, हो कहती हैं वो जो मट्टी उठाने वाला जो खुरपा होता है उसे, उनके हाथ में खुरपा था। आई वॉक्ड स्लोली आउट टू हिम, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उनके पास गई। ट्राइंग टू थिंक अबाउट हाउ आई कुड बेस्ट आस्क अबाउट फॉर द मनी, ये सोचते हुए कि किस तरह मैं बेहतरीन तरीके से उनसे जो है पैसे मांग सकती थी। There was a cool breeze blowing and sweet smell of mesquite in the air. कहती है कि हवा बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, and a sweet smell of mesquite. Mesquite क्या होता है? एक छोटा सा पौधा होता है जिस पर इस तरह के मतलब पत्ते उगते हैं जो जानवरों के चारे के तौर पर जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उस पौधे के बारे में बता रही है कि अ वेरी स्वीट स्मेल ऑफ मेस्किट इन द ईयर, कि हवा में जो मेस्किट का जो छोटा सा पौधा है उसकी खुशबू थी, फैली हुई थी। बट आई डिड नॉट अप्रिशिएट इट, कहती है लेकिन मैं इससे लुत्फानंदोज ना हुई। आई किक्ड एट अ डर्ट कोल्ड, तो कहती है मैंने गंदगी के ढेर को टांग मारी। आई वॉन्टिड दैट जैकेट सो मच, कहती मैं वो जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहती थी। इट वॉज मोर देन
just being a valedictorian and giving a little thank you speech for the jacket on graduation night. कहती है कि ये उससे ज़्यादा था कि एक अलविदाई खुतबा देने पर या फिर giving a little thank you या थोड़ा सा शुक्रिया अदा करने पर जो मैंने तकरीर करनी थी उससे भी ज़्यादा graduation की रात जो तकरीर करनी थी मैं उससे भी ज़्यादा इस jacket को चाहती थी. It represented 8 years of hard work and expectation. कहती है ये जो है ना मेरी 8 साल की सख्त मेहनत 8 साल की और उसकी तवक्कुआत थी. I knew I had to be honest with grandpa. अब कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे दादा बू के साथ बिल्कुल ईमानदार होना था. तो हमने पढ़ा था ना इस लेसन के थीम में कि ऑनेस्टी है इस लेसन में, और क्योंकि ये अब शुरू से अच्छी बच्ची रही है, पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो इसलिए इसने कहा कि मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, मैं उनके उन्हें जो भी बात सच है वही बताऊँगी. जिस तरह कि हमने इसके थीम में भी जिक्र किया था कि ऑनेस्टी के बारे में ये लेसन है. अब वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे दादा बू से ईमानदार होना था. इट वॉज़ माई ओनली चांस, ये मेरा वाहिद मौका था. ही सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा. एंड लुक्ड अप, और नज़र ऊपर उठाई. He waited for me to speak. उन्होंने मेरे बोलने का इंतज़ार किया. I cleared my throat nervously and clasped my hands behind my back so he would not see them shaking. अब क्या कह रही है? I cleared my throat nervously. कहती मैंने घबराते हुए अपना जो है गला साफ किया. एंड clasped my hands, और अपने हाथों को पकड़ लिया. behind my back, अपने पीछे, अपनी पीठ के पीछे. so he would not see them shaking, ताकि वो उन्हें लड़ते हुए या कांपते हुए ना देख सकें. grandpa, मैंने कहा grandpa, I have a big favor to ask you. मुझे आपसे बहुत बड़ा फेवर यानी कि आपकी हमदर्दी या अनायत या मेहरबानी चाहिए. आई सेड इन स्पेनिश, मैंने उन्हें ये स्पेनिश ज़बान यानी कि हिस्पानवी ज़बान में कहा. दी ओनली लैंग्वेज ही न्यू, क्योंकि यही वो वाहिद ज़बान थी जो इसके दादा बू जानते थे. ही स्टिल वेटेड साइलेंटली, वो अभी भी खामोशी से इंतज़ार करते रहे. आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की. ग्रैंडपा, दादा अबू, दिस ईयर द प्रिंसिपल सेड दिस स्कॉलरशिप जैकेट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री. कहती है कि दादा अबू, इस साल प्रिंसिपल ने कहा है कि जो स्कॉलरशिप जैकेट है वो मुफ्त नहीं होगी. इट्स गोइंग टू कॉस्ट $15 एंड आई हैव टू टेक द मनी इन टूमोरो, अदरवाइज इट्स बी गिवन टू समवन एल्स. क्या कह रही है दादाबू से कि इस दफ़ा इसकी जो कीमत है वो $15 मुकर्रर की गई है, और मुझे कल ही ये रकम, आई हैव टू टेक द मनी इन टूमोरो, और मुझे कल ही ये रकम लेकर जानी है, अदरवाइज वरना ये जो है किसी और को दे दी जाएगी. द लास्ट वर्ड्स केम आउट इन एन ईगर रश. कहती है कि आखिरी लफ्ज़ जो हैं वो एकदम तेज़ी से मेरी ज़बान से निकल गए. Grandpa straightened up tiredly and leaned his chin on the hoe handle. अब दादाबू ने क्या किया है? Straightened up, सीधे खड़े हो गए हैं. Tiredly, बहुत थके हुए अंदाज में. And leaned his chin, और अपनी जो चिन है जो थोड़ी है, leaned वो टिका दी है, वो रखती है. कहाँ रखी है? On the hoe handle, वो जो उनकी कदाल है मट्टी उठाने वाली, उसके हैंडल के ऊपर रख कर खड़े हो गए हैं. He looked out over the fields that was filled with the tiny green beans plants. और उन्होंने क्या किया कि बाहर जो खेत पर जो लोबिया के बीन्स के छोटे छोटे जो पौधे थे, सरसब्ज पौधों से जो भरा हुआ था, अपने उस खेत पर नज़र दौड़ाई. और अब वो क्या करिए मार्था? आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया. डेस्परेटली, मायूसी के साथ वो इंतज़ार कर रही है. होपिंग, और साथ उसे थोड़ी सी उम्मीद भी है. किस चीज़ की होपिंग है? ही वुड से आई कुड हैव द मनी, कि शायद दादाबू ये कहेंगे हाँ ठीक है तुम रकम ले सकती हो. ही टर्न्ड टू मी एंड आस्क क्वाइटली, वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और आराम से कहा, व्हाट डज अ स्कॉलरशिप जैकेट मीन, कि एक स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या होता है. आई आंसर्ड क्विकली, मैंने तेज़ी से जवाब दिया.
Maybe there was a chance. के हो सकता है एक मौका हो. It means you have earned it by having the highest grades for 8 years and that's why they are giving it to you. दादा बू अब क्या जवाब दे रहे हैं. It means you have earned it. इसका मतलब है कि तुमने ये earned it, ये पाया है by having the highest grades for 8 years के 8 सालों तक तुमने बुलंद तरीन दर्जा हासिल करके मेहनत करके वो मकाम हासिल किया है. एंड दैट्स वाई और इसी वजह से दे आर गिविंग इट टू यू वो तुम्हें ये दे रहे हैं. टू लेट आई रियलाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ माई वर्ड्स. कहती है बहुत देर से मुझे जो है अपने अल्फाज की जो सिग्निफिकेंस है जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हुआ. ग्रैंडपा न्यू डैट I understood not a matter for of money. के मैं जान दादा बू अब समझ गए थे कि मैं समझती थी कि ये पैसों का मामला नहीं है. It was not that. ये बिल्कुल भी पैसों का मामला नहीं था. He went back to hoeing the weeds that sprung up between the delicate little beans plants. ये कहते हुए वो उन्होंने क्या किया. He went back. वो वापस चले गए to hoeing the weeds. वो जो छोटे छोटे जो बीज हैं उनको दोबारा बोने के लिए उगाने के लिए दैट स्प्रंग अप जिसमें से निकलता था. क्या निकलता था. बिटवीन द डेलिकेट लिटिल बीन प्लांट्स. छोटा सा नन्ना सा नाजुक सा लोबिया का पौधा निकलता था. वो बीज उगाने के लिए वापस चले गए. इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. ये एक वक्त लेने वाला काम था यानी कि दादाबू जो खेतों में कर रहे थे. समटाइम्स बाज़ोकात द स्मॉल शूट्स वर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर. बाज़ोकात छोटी छोटी जो शाखें होती हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मतलब दरमियान में उग जाती थी. जो काम मतलब उन्हें करना पड़ता था दादाबू को. फाइनली ही स्पोक अगेन. आखिरकार वो दोबारा से बोल पड़े. क्या बोले. देन इफ़ यू पे फॉर इट मार्था अगर तुम इसके लिए रकम अदा करोगी यानी कि पैसे दोगी. इट इज़ नॉट अ स्कॉलरशिप जैकेट. तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं होगी. इज़ इट तो क्या ये होगी. टेल योर प्रिंसिपल आई विल नॉट पे द $15. के अपने प्रिंसिपल को बता दो कि मैं $15 नहीं अदा करूँगा. तो इट वॉज़ अ वेरी सैड एंड विदड्रॉन गर्ल हु ड्रैग्ड into the principal's office the next day. अब कहती है कि मैं ये बहुत ही एक थकी हुई उदास सी और पीछे हटी हुई लड़की थी जो कि अपने आप को घसीट कर प्रिंसिपल के दफ्तर में लेकर आई थी अगले दिन. This time इस वक्त he did look me in the eyes. कहती कि वो अब मेरी आँखों में देख रहे थे. What did your grandfather say? तुम्हारे दादाबू ने क्या कहा है. आई सेट वेरी स्ट्रेट इन माई चेयर. कहती है कि मैं अपनी कुर्सी पर बहुत सीधी होकर बैठ गई थी. ही सेट टू टेल यू ही वॉन्ट पे द $15. कहती है उन्होंने आपको बताने के लिए कहा है कि वो $15 नहीं देंगे. द प्रिंसिपल मटर्ड समथिंग आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अंडर हिज ब्रेथ. और इसके बाद प्रिंसिपल ने क्या किया. अपनी सांस के नीचे कुछ अल्फाज मटर यानी कि बड़बड़ाए. कहती है जिसे मैं ना समझ सकी. एंड वॉकड ओवर टू द विंडो और खिड़की के पास चले गए. ही स्टूड लुकिंग आउट एट समथिंग आउटसाइड. वो खिड़की से बाहर की कुछ चीज़ों को देखते रहे. ही लुक्ड बिगर देन यूजुअल व्हेन ही स्टूड अप. वो थोड़े से बड़े नज़र आ रहे थे अपने साइज से जब मामूल के मुताबिक वो खड़े होते थे. ही वॉज अ टॉल गॉन्ट मैन विद ग्रे हेयर. वो एक लंबे और पतले आदमी थे जिनके ग्रे यानी कि सफ़ेद बाल थे. एंड आई वॉश्ड द बैक ऑफ हिज हेड. और कहती है मैं उनके सर की बैक साइड देखती रही क्योंकि उनका मुंह खिड़की की तरफ था ना तो ये उनको पीछे से उनका सर देखती रही. व्हेन व्हाइल आई वेटेड फॉर हिम टू स्पीक. जबकि मैं उनके बोलने का इंतज़ार कर रही थी. व्हाई क्यों. ही फाइनली आस्क्ड. आखिर उन्होंने पूछा.
Your grandfather has the money. तुम्हारे दादाबू के पास रुपया है या पैसे हैं. Does not he own a small bean farm? क्या वो एक छोटे लोबिया के खेत के मालिक नहीं है? प्रिंसिपल ने उससे पूछा है. I looked at him, forcing my eyes to stay dry. कहती है मैंने उनकी तरफ देखा और अपनी आंखों को खुश्क रहने पर मजबूर करते हुए प्रिंसिपल की तरफ देखा. He said, if I had to pay for it, वो कहते हैं कि अगर इसके लिए पैसे देने हैं, then it would not be a scholarship jacket, तो ये एक scholarship jacket नहीं होगी. I said and stood up to leave, मैंने ये कहा और जाने के लिए खड़ी हुई. I guess you will just have to give it to John, कहती है कि आगे से ये भी बात उसने साथ कह दी, मेरा ख्याल है या मेरा अंदाज़ा है कि आपको ये जॉन को देनी होगी. I had not mean to say that, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था. It had just slipped out, ये बात वैसे ही मेरे मुंह से निकल गई. I was almost to the door when he stopped me, कहती है मैं तकरीबन दरवाजे तक ही पहुंची थी जब उन्होंने मुझे रोका. Martha, wait, कि Martha रुको इंतज़ार करो. I turned and looked at him, मैं मुड़ी और उनकी तरफ देखा. Waiting, इंतज़ार कर रही थी. What did he want now, कि अब वो क्या चाहते हैं. I could feel my heart pounding, मुझे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ. Something bitter and yell tasting was coming up in my mouth, कहती है कि कुछ तल्ख और कड़वा सा जायका जो है वो मेरे मुंह में आ गया. I was afraid I was going to be sick, मैं डर गई, मुझे लगा कि मैं बीमार होने जा रही हूँ. I did not need any sympathy speeches, कहती मुझे किसी भी किस्म की हमदर्दाना जो तकरीरें हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी. मतलब उसे अब ये लगा कि प्रिंसिपल ने रोका है और अब वो कुछ इससे हमदर्दी की कुछ एक दो जुमले बोलेंगे. He cited loudly. अब प्रिंसिपल ने क्या किया है ही कि उन्होंने एक ठंडी आह भरी है ऊंची आवाज़ से एंड वेंट बैक टू हिज बिग डेस्क और अपने बड़े से डेस्क की तरफ वापस चले गए हैं. ही लुक्ड एट मी उन्होंने मेरी तरफ देखा. बाइटिंग हिज लिप्स अपने होंठ को काटते हुए एज इफ थिंकिंग जैसे कि वो सोच रहे हों. ओके ठीक है वी विल मेक एन एक्सेप्शन इन योर केस हम तुम्हारे केस में कुछ ज़्यादा करते हैं. आई विल टेल द बोर्ड मैं बोर्ड को बता दूंगा. यू विल गेट योर जैकेट तुम्हें तुम्हारी जैकेट मिल जाएगी. आई कुड हार्डली बिलीव इट कहती है मैं इस पर बामुश्किल ही यकीन कर सकी. आई स्पोक इन अ ट्रेम्बलिंग रश मैंने लरसते हुए आवाज़ में कहा. ओह थैंक यू सर जनाब आपका बहुत शुक्रिया. सडनली आई फेल्ट ग्रेट कहती है अचानक ही मैं खुद को अजीम महसूस करने लगी. आई डिड नॉट नो अबाउट एड्रेनलिन इन दोज डेज कहती है कि मैं इन दिनों कहती है कि उन दिनों मुझे एड्रेनलिन के बारे में नहीं पता था. तो एड्रेनलिन क्या अमल है. ये वो अमल है जो दिल की शरियानों को तेज़ी से सुकेरता है जिसकी वजह से दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है. तो कहती है मुझे उन दिनों इसका तो नहीं पता था बट आई न्यू समथिंग वाज पंपिंग थ्रू मी कहती है लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था कि ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे अंदर भरी जा रही है. मेकिंग मी फील एज टॉल एज द स्काई जो कि मुझे ये महसूस करा रही थी वो चीज़ कि मैं आसमान जितनी बुलंद होती जा रही हूँ. आई वॉन्टेड टू येल जम्प रन द माइल कहती है क्या चाहती थी. आई वॉन्टेड टू येल मैं चीखना चाहती थी जंप करना चाहती थी. रन द माइल मीलों तक दौड़ना चाहती थी उछलना चाहती थी दौड़ना चाहती थी डू समथिंग कुछ करना चाहती थी. आई रन आउट सो आई कुड क्राई इन द हॉल वेयर देयर वॉज नो वन टू सी मी कहती मैं जल्दी से बाहर भाग कर आ गई ताकि वो बड़े से हॉल में जहाँ पर मुझे कोई भी ना देख सके मैं वहाँ पर थोड़ी देर रो लूँ मैं रो सकूँ उधर. एट द एंड ऑफ द डे उस दिन के इख्तिताम पर मिस्टर श्मिट विंक्ड एट मी एंड सेड
अब मिस्टर श्मिट जो इसके हिस्ट्री टीचर थे कहती उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया और कहा आई हियर यू आर गेटिंग अ स्कॉलरशिप जैकेट दिस ईयर। कहते हैं मैं सुनता हूँ कि इस साल जो स्कॉलरशिप जैकेट है तुम ले रही हो, मतलब उससे मजाक कर रहे हैं। हिज फेस लुक्ड एज हैप्पी एंड इनोसेंट एज अ बेबीज। अब उसके टीचर का चेहरा इस तरह से खुश और मासूम दिखाई दे रहा था जिस तरह एक छोटे बच्चे का होता है। बट आई न्यू बेटर, कहती है लेकिन मैं बेहतर जानती थी। विदाउट आंसरिंग, अपने टीचर को जवाब दिए बगैर, आई गेव हिम अ क्विक हग एंड रन टू द बस। कहती है कि मैं बहुत पुरजोश अंदाज में उससे गले मिली और बस की तरफ दौड़ी। आई क्राइड ऑन द वॉक होम अगेन। कहती अब मैं दोबारा से घर जाने वाले रास्ते पर रो रही थी, बट दिस टाइम बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन अब मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं इस दफ़ा बहुत खुश थी। आई कुड नॉट वेट टू टेल ग्रैंडपा एंड रन स्ट्रेट टू द फील्ड। कहती मैं दादाबू को बताने के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी और सीधा खेत की तरफ गई या भागी। आई ज्वाइंड हिम इन द रो वेयर ही वॉज वर्किंग एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग आई क्राउच्ड डाउन एंड स्टार्टेड पुलिंग अप द वीयर्स विद माई हैंड्स। कहती है कि आई ज्वाइंड हिम इन द रो, मैं कतार में जाकर उनसे मिली। वेयर ही वॉज वर्किंग, जहाँ पर वो काम कर रहे थे। एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग, और बगैर उन्हें कुछ कहे, आई क्राउच डाउन, मैं पाँव के बल वहाँ बैठ गई। एंड स्टार्टेड पुलिंग अप द वीयर्स, और वहाँ पर जो सूखी घास है वो तोड़ना शुरू कर दी विद माई हैंड्स, अपने हाथों के साथ। ग्रैंडपा वर्कड अलोंग साइड मी फॉर अ फ्यू मिनट्स। कहती दादा बूबी मेरे बिल्कुल साथ साथ चंद मिनट तक काम करते रहे। बट ही डिड नॉट आस्क वट हैड हैपन्ड, लेकिन उन्होंने मुझसे ना पूछा कि क्या वाकया हुआ है। आफ्टर आई हैड अ लिटल पाइल ऑफ वीयर्स बिटवीन द रोज। कहती जब उन कतारों के दरमियान मैंने सूखी हुई घास का एक छोटा सा ढेर लगाया, आई स्टूड अप, मैं खड़ी हुई एंड फेस्ड हिम, और उनका सामना किया। द प्रिंसिपल सेड ही इज़ मेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर मी। कहती है कि प्रिंसिपल कह रहा है कि वो मेरे केस में कुछ एक्स्ट्रा करेगा या ज़्यादा करेगा। ग्रैंडपा, दादा अबू एंड आई एम गेटिंग द जैकेट आफ्टर ऑल, कि दादा अबू आखिरकार मैं जैकेट ले रही हूँ। दैट्स आफ्टर आई टोल्ड हिम व्हाट यू सेड, ये उसके बाद हुआ जब मैंने उन्हें बताया जो आपने कहा था। ग्रैंडपा डिड नॉट से एनीथिंग, दादा अबू ने कुछ ना कहा। ही जस्ट गेव मी अ पैट ऑन द शोल्डर एंड अ स्माइल, उन्होंने मेरे कंधे पर एक थपकी दी और साथ एक मुस्कुराहट उन्होंने दी। ही पुल्ड आउट द क्रम्बल्ड रेड हैंकरचीफ दैट ही ऑलवेज कैरीड इन हिज पॉकेट एंड विप्ड द स्वेट ऑफ हिज फोरहेड। उन्होंने फिर क्या किया, पुल्ड ऑफ खींचा क्रम्बल्ड रेड हैंकरचीफ, लाल रंग का जो तह किया हुआ, क्रम्पल्ड तह किया हुआ लाल रोमाल जो हमेशा से वो अपने साथ उठाते थे अपनी जेब में, वो उन्होंने उससे क्या करते थे, विप द स्वेट, पसीना खुश करते थे ऑफ हिज फोरहेड, अपने माथे का, तो वो निकाल कर उन्होंने अपने जो पेशानी है उससे पसीना पोंछा। बेटर गो सी इफ योर ग्रैंड मदर नीड्स एनी हेल्प विद सपर, कहा बेहतर है, ठीक है, जाओ और देखो तुम्हारी दादी अम्मी को रात के खाने के लिए किसी मदद की ज़रूरत है। आई गेव हिम अ बिग ग्रिन, कहती है मैंने उन्हें एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी। आई स्किप्ड, मैं वहाँ से उछली एंड रन बैक टू द हाउस, और घर की तरफ वापस भागी विस्लिंग सम सिली ट्यून्स, कोई अहमकाना किस्म की धुन बजाते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लेसन का एंड होता है। आपने देखा है कि किस तरह से मार्था ने ईमानदारी से काम लिया है, सच्चाई से काम लिया है और बहुत मेहनत की है, तो उसे आखिर मेहनत का सिला मिल ही गया है एंड पे। जैसे कि हमने इसके थीम में पढ़ा था कि आप अपने काम से ईमानदार रहें तो आपके ईमानदारी का जो सिला है आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लेसन का अब एंड होता है।